सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जो जनऔषधि स्टोर जो पूरे देश में चालू हुई, वहां पर मिलने वाली जेनेरिक मेडिसिन का क्वालिटी कैसे चेक किया जाए, या फिर यानी कि वो क्वालिटी ब्रांडेड जो दवाई होती है ब्रांडेड की क्वालिटी जो सेम होती है कि नहीं, इसके बारे में आज पूरी वीडियो दोस्तों। तो किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि जो ब्रांडेड दवाइयों की जो क्वालिटी होती है उसी प्रकार की ये जो जनऔषधि पर मिलने वाली जेनेरिक दवाई है वो भी उसी प्रकार की क्वालिटी में हमें मिल सकती है, तो हम किस प्रकार से उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी वीडियो उसी के ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार से हम ट्रस्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरिंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो भी दवाइयाँ बनती है यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती है फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, वो दवाइयाँ बनाती है, उसके बाद में दवाई का टेस्टिंग कहाँ पर होता है, किस प्रकार से उसका टेस्ट किया जाता है और किस प्रकार से वो एनालिसिस रिपोर्ट आता है, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि ये दवाई स्टैंडर्ड क्वालिटी में है कि नहीं। तो उसके अंदर दोस्तों अलग अलग प्रकार की लेबोरेटरीज यहाँ पर होती है पूरे हमारे देश में, जैसे कि सबसे पहले जो बहुत सी कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो खुद की लेबोरेटरी होती है यानी कि खुद की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी प्रीमाइसिस के अंदर एक लेबोरेटरी बनाती है खुद के नाम पर होती है। जैसे कि समझ लीजिए एक्स वाई जेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसी की एक्स वाई जेड करके उसी की प्रीमाइसिस के अंदर वो एक लेबोरेटरी भी उसके अंदर बना देते हैं, जिसका उसको सर्टिफिकेट लेने का होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जैसे FDC जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जो हर प्रकार की कंपनियों को या फिर मेडिकल स्टोर को जो ड्रग जो लाइसेंस होता है उसको स्टार्ट करने का, तो वो इश्यू करते वही हमारी गवर्नमेंट का पूरा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से उसको GMP सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। GMP जिसे कहा जाता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, तो सर्टिफिकेट लेने के बाद वहाँ पर वो टेस्ट करने के बाद वो बाजार में दवाई रख सकते हैं। वो पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाई का, फिर उसी को खुद की लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है, लेकिन वो लेबोरेटरी होती है वो GLP सर्टिफाई होती है ऐसा कहा जाता है। वो खुद की लेबोरेटरी होती है तो हम समझ सकते हैं कि खुद की लेबोरेटरी है तो उसके अंदर हम थोड़ा डाउट कर सकते हैं कि उसका क्वालिटी है कि नहीं, ये एक बात है। दूसरी बात, बाजार में कोई अलग से भी एक लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकती है जो उसको GLP सर्टिफाई भी कहा जाता है, यानी कि वो भी लेबोरेटरी अलग से बाजार में हो सकती है, वो कंपनी के साथ जुड़ी नहीं होती है, अलग से होती है, जो उसने भी हो सकता है कि GLP सर्टिफाई लिया हुआ हो। उसके अलावा दोस्तों हमारे देश में NABL करके जो लेबोरेटरी होती है काफ़ी ट्रस्टेड लेबोरेटरी होती है, जो दोस्तों NABL का मतलब होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जो हमारा भारत का एक प्रकार का क्वालिटी काउंसिल है, जो पूरा डिपार्टमेंट है जो उसको अप्रूव करता है लेबोरेटरीज को, जो भी अप्लाई करता है NABL के लिए उसको अप्रूव किया जाता है, लेकिन ये दोस्तों ट्रस्टेबल होती है नेशनलाइज लेबोरेटरी होती है, जहाँ पर कोई भी टेस्ट किया जाता है 100% श्योर होता है, उसके अंदर कुछ इधर उधर नहीं होता है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि वो NABL लेबोरेटरी टेस्टेड जो भी दवाई होती है या फिर जो भी प्रोडक्ट होती है वो काफ़ी ट्रस्टेबल होती है, यानी कि जो भी ब्रांडेड मेडिसिन होती है या फिर आजकल हमारे देश में जो भी कंपनी बनाती है वो भी NABL टेस्ट करवाती है, यानी NABL लेबोरेटरी के पास जाकर खुद की प्रोडक्ट का टेस्ट करवाती है, अगर वो क्वालिटी में खरे उतरती है तो ही वो बाजार में जाती है, और ज़्यादातर जो ब्रांडेड दवाई होती है सब NABL लेबोरेटरी में अप्रूव होने के बाद ही वो मार्केट में आती है। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि NABL जो टेस्टेड जो भी दवाई होती है वो काफ़ी क्वालिटी में उसका कोई कहने लायक नहीं होता है, एकदम परफेक्ट होती है, उसके अंदर कोई भी देखने लायक नहीं होता है। उसके अलावा भी दोस्तों जो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंदर जो भी दवाइयाँ होती है वो NABL अप्रूव होती है, वह आपको बताऊँगा एग्जाम्पल तौर पर मेरे पास कुछ मेडिसिन हो आपको मैं दिखाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो होती है वो भी एक प्रकार का GMP सर्टिफाई होती है, जिसे WHO GMP कहते हैं, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है। उसके लिए भी कुछ खास उसको प्रीमाइसिस होती है जो अप्रूव करना पड़ता है GMP के पास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टार्ट करते हैं प्लांट पूरा स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर भी उसको कुछ कंडीशन होती है टर्म कंडीशन, यानी कि उसको जो प्रोडक्ट जो बनती है क्वालिटी प्रोडक्ट ही होनी चाहिए। GMP सर्टिफिकेट मतलब यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगी वहाँ पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही होगी। तो यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि को जो संभालने वाले जो मैंने बताया अगली वीडियो में जो BPPI मैनेज करते हैं पूरा उसका डिपार्टमेंट जो दवाई का सप्लाई का, तो वो भी जितनी भी कंपनी है GMP अप्रूव है उसी को ये ऑर्डर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जाता है, उसके बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जितने भी सैंपल जितने भी बेंच की दवाई बनती है उस सभी बेंचों को NABL लेबोरेटरी में अप्रूव किया जाता है, उसके अंदर जो अगर वो खरी उतरती है वहाँ पे पास होती है, और यानी कि प्लस और फाइव का ही डिफरेंस होता है, 5 प्लस माइनस होता है हर एक दवाई में, जैसे कि 100 MG की कोई मेडिसिन एग्जाम्पल की तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके अंदर उसकी दवाई की जो क्वालिटी यानी कि जो क्वांटिटी होती है वो प्लस और माइनस 5 होता है, जैसे कि 105 और 95 से 105 के बीच में उसकी क्वालिटी होती है क्वांटिटी की उसकी जो भी दवाई है,
जैसे कि समझ लीजिए कि अगर 100 mg की कोई मेडिसिन है 100 mg पावर की, तो उसके अंदर अगर वो 97 या फिर 104 तक है तो वो स्टैंडर्ड ही कहा जाता है। अगर उसको 94 इसके अंदर क्वांटिटी उसकी दवाई की है तो उसको फेल कहा जाता है, यानी कि वो टेस्टिंग में खरी नहीं होती है, उसको सब स्टैंडर्ड मेडिसिन कहा जाता है। और उसको ऐसी अगर कोई भी दवाई जनऔषधि स्टोर पर इस प्रकार से टेस्ट करने के बाद अगर निकलती है, यानी कि कंपनी से लेने के बाद वो डायरेक्ट टेस्ट किया जाता है एनएबी लेबोरेटरी में, अगर इस प्रकार से उसकी क्वांटिटी दिखाई देती है यानी कि 95 से कम उसका परसेंटेज अगर निकलता है तो उसको तुरंत सब स्टैंडर्ड करके उसको मतलब कैंसिल किया जाता है उसका पूरा ऑर्डर उसी बेंच का। और उसके जो भी स्टैंडर्ड होगी जो 95 प्लस 105 के अंदर अगर जिसकी स्टैंडर्ड का होगी उसी को पास करने के बाद तो उसके बाद में टेस्टिंग होने के बाद ही वो मार्केट में यानी कि जन औषधि जितने भी स्टोर है वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी कंपनियाँ ऐसा खुद की GLP यानी कि जो खुद की लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद मार्केट में ऐसे ही मतलब बेचने को छोड़ देती है दवाई खुद की, और बाद में वो अगर ड्रग इंस्पेक्टर उसको टेस्ट करते हैं तो हो सकता है सब स्टैंडर्ड निकलती है। बहुत सी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है कि बहुत सी कंपनियों का ऐसा दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड बनती है और बाद में उसको पूरा जो जत्था जो सप्लाई हो चुका है उसके अंदर बहुत सी दवाइयाँ यूज़ भी होगी पेशेंट के अंदर, उसका रिजल्ट भी बहुत कम मिलता है। तो ऐसी दवाइयाँ जिसमें उसको रिकॉल किया जाता है बाद में उसको वापस खींची जाती है, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ इसके अंदर यूज़ भी हो जाती है तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो जनऔषधि जो स्टोर की जो योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर हम ट्रस्ट कर सकते हैं पूरा, क्योंकि जो भी दवाई होती है NABL लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद अगर वो स्टैंडर्ड है तभी उसको सप्लाई में दिया जाता है यानी स्टोर पर रखा जाता है, उससे पहले उसको नहीं भेजा नहीं जाता है। अगर वो सब स्टैंडर्ड बनती है तो वहीं पर उसका कैंसिल होने के बाद वो दवाई उसको वापस दी जाती है कंपनी में। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है पूरा, मतलब सिस्टम है जो BPV द्वारा मैनेज किया जाता है काफ़ी अच्छा, इसलिए हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, कुछ मेरे पास मेडिसिन है उसके अंदर मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको देख सकते हैं वो NABL। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पैरासीटामोल टेबलेट है, जो OTC प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है एंटीपायरेटिक ड्रग है जो बुखार के लिए अक्सर यूज़ की जाती है, लेकिन ये दोस्तों 650 mg की दवाई है। जो मेरी एक वीडियो भी है 650 mg पैरासीटामोल किस में इस्तेमाल होती है आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। ये भारतीय जनऔषधि परियोजना की यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि की ये पैरासीटामोल है दोस्तों। एक मैं आपको बता दूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चर इसका बाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और इसका मार्केटिंग जो करते हैं BPPA जो मैंने बताया इस प्रकार से ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया। पूरा ये मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट जो जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है ये पूरा डिपार्टमेंट ये BPPA वाले संभालते हैं, किस कंपनी से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस प्रकार से करना है, उसकी दवाई उसका ऑर्डर करना है, पूरा मैनेजमेंट ये BPPA द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों पैरासीटामोल जो मैंने बताया इस प्रकार से जो बाल फार्मास्यूटिकल ये बनाया जाता है, तो दोस्तों बाल फार्मेसी ऐसा फार्मेसी लिमिटेड जो ये कंपनी है जो आपने अगर इस फील्ड में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि जो डोलो 650 करके जो टेबलेट आती है जो अक्सर जो 650 mg में पैरासीटामोल में अक्सर डॉक्टर डोलो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो कंपनी जो बाल कंपनी उसी की वो डोलो 650 mg की टेबलेट पैरासीटामोल वो बाल कंपनी की है, खुद की ब्रांडेड कंपनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाल कंपनी यहाँ पर इसको सप्लाई कर रही है जनऔषधि को, तो आप समझ सकते हैं कि इसके भी क्वालिटी में कुछ देखने लायक नहीं है। जो डोलो 650 में आपको जो क्वालिटी है जो उसका रिजल्ट है वही यहाँ पर पैरासीटामोल 650 जनऔषधि के आप देख रहे हैं उसका भी रिजल्ट सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले का यहाँ पर कोई भी दवाई आप लेते हैं जनऔषधि पर तो सबसे पहले तो ये उसका खुद का सिम्बॉल है, ये देख सकते हैं पूरा लोगो है हर एक स्ट्रिप में लगाया होता है। उसके बाद में ये जो पुरानी है लेकिन आजकल जो यहाँ पर दवाइयाँ नई जो बन रही है ये देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर GMP WHO GMP सर्टिफाइड और साथ में यहाँ पर लिखा गया है NABL अप्रूव्ड है, देख सकते हैं आप NABL टेस्टेड प्रोडक्ट यानी कि लेबोरेटरी में NABL लेबोरेटरी में ये पास करने के बाद ही आया है। तो इस प्रकार से लोगो हर एक मेडिसिन में अब आजकल की जो नई प्रोडक्ट जो बन रही है तो उसके अंदर हर एक स्ट्रिप के अंदर ये आपको मतलब लोगो आपको मिलेगा, तो ये आप इस लोगो को देखकर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो जनऔषधि जो भी दवाई है वो WHO GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस द्वारा जो भी कंपनी आती होती है उसके पास ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद में NABL लेबोरेटरी द्वारा उसको टेस्टिंग किया जाता है, अगर वो स्टैंडर्ड होती है तभी ये आपको जनऔषधि स्टोर पर आती है। तो इस प्रकार से आप ट्रस्ट कर सकते हैं और ये लोगो देखने के बाद आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, परफेक्ट क्वालिटी आपको मिल सकती है। ये भी आप देख सकते हैं जो ये कार्बामाजेपिन टेबलेट है, टेबलेट आप देख सकते हैं जो एक प्रकार का एपिलेप्सी में इसको दिया जाता है एपिलेप्सी के लिए, इसके अलावा भी एक प्रकार की साइकेट्रिक ड्रग है, और इसका भी आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग किसने किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
कंपनी जो है जो यहाँ पर जिसको बनाए गए सेंचुरी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सब अच्छी जीएमपी सर्टिफाइड लेबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो होकर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसकी सर्टिफाई होता है उसका। इस प्रकार से ये सब कंपनी अच्छी कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। उसके बाद में जो खास करके एनएबीएल द्वारा ट्रस्ट किया जाता है, टेस्टेड किया जाता है, तब हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कोई भी जन औषधि स्टोर पर जाकर आप कोई भी मेडिसिन आप लेकर ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं और इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और बिंदास आप जो भी आपको स्टैंडर्ड दवाई में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, उसी प्रकार के इसके अंदर क्वालिटी, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने आपको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्टोर पर मिलने वाली जो भी मेडिसिन है उसका क्वालिटी के बारे में वीडियो बनाया है। तो आशा करूँ वीडियो पसंद आए होगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।